किस प्रकार से बच्चेदानी में रिसोली, सिस्ट या एक्सेसिव ब्लीडिंग, इस प्रकार की सैकड़ों व्याधियों से हमारे समाज में महिलाओं को दिक्कत उठानी पड़ती है। ये व्याधियां बढ़ती जा रही है डे बाय डे। अगर आज मैं 10 महिलाओं से मिलता हूँ 40 साल की ऊपर की उम्र में, तो कम से कम 5 से 6 महिलाओं की बच्चेदानी की रिसोली की वजह से बच्चेदानी निकाल दी जाती है। तो क्या आयुर्वेद के माध्यम से इसको ठीक किया जा सकता है? क्या फाइब्रॉइड यूट्रस को या सिस्ट को या किसी भी प्रकार की एक्सेसिव ब्लीडिंग या महिलाओं की जो गायनी से रिलेटेड हिस्टेक्टमी को बचाया जा सकता है क्या? तो इस विषय में आज हम बात करेंगे। जी हाँ, आयुर्वेद और योग के माध्यम से बिल्कुल डेफिनेटली बहुत सी सर्जरीज को बचाया जा सकता है। हर जगह रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन बहुत 90% केसेस में हम परमात्मा की दया से, ईश्वर की दया से उसको ठीक कर पाते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण हमारे पास है। बहन जी अपना परिचय देंगे और बताएंगे। देखिए बात इसी है डॉक्टर जी। हाँ जी, नाम बताओ अपना। आरामदेही नाम है जी मेरा। वजीर खेड़ा की लड़की हूँ मैं, और कैथल मेरा जिला है जी। समायण गांव में ब्याह रखी हूँ जी, और फतेहवाज मेरा जिला है जी। हाँ जी, मेरा रिसोली की दिक्कत थी जी, लले बच्चादानी में। बच्चादानी की दिक्कत जी, मैं छलनी का गई जी। छलनी का गई तो उसने मेरा ऑपरेशन बोल दिया जी, मैं वापस घर आएगी जी। फिर मैं गुप्ता का गई जी, गुप्ता का गई तो उसने भी मेरा ऑपरेशन बोल दिया जी, तो मैं उस पर तभी घर आएगी जी। तो मैं आपकी लड़की ने कैथल बुला ली जी, मेरी लड़की ब्याह रखी थी उड़े। तो मैं PGI अस्पताल में गई जी। गई तो उड़े मन जाकर पर्ची कटाई जी। पर्ची कटा कर ना तो उड़ा मेरी पर्ची जी, मेरा समैन वाला डॉक्टर, नाम क्या है जी आपका, जसिंदर जी पर मेरी पर्ची बग गई जी। वो लाले मैंने पूछने लगे, अभी तो आप समायण में जानो किस होती? तो मैं बोली मैं जानूँ जी। उन्हें बोला तो महा मेरा दादा दूफा डॉक्टर ना जानूँ दादा चाचा जी ने। बोले हाँ जी ठीक है। उस तक मेरे तक दवाई दे जी, मेरी बच्चादानी की रिसोली ख़त्म हो गई जी। आता है 5 साल पहले जो मिला ना दिक्कत आई है नहीं, तो उसके पास जाओ तो वह दवाई ले, देसी दवाई है। और जो मेरी बहना का भी वही है तो वह भी ठीक हुई है। तो हमारी रिसोली उसने ठीक करी है जी, तो देसी दवाई का। तो देखिए किस प्रकार से 5 वर्ष पूर्व बहन जी मेरे पास आई थी, और जनरली OPD में आई तो मैंने कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी, और लगातार इन्होंने 6-7 महीने वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाई। थोड़ा जो डाइटरी परहेज हम देते हैं, जो योगा बताते हैं, वो भी इन्होंने कोशिश किया, और ईश्वर की कृपा से, परमात्मा की कृपा से इनको अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 5 साल से बिल्कुल ठीक है। जो इनको पेन रहता था, एक्सेसिव ब्लीडिंग थी, जो या सिस्ट थी, वो रिपीट अल्ट्रासाउंड में हमने डिजोल्व मिली। तो इस प्रकार से बहुत सी महिलाओं को जो गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हम सर्जरी की तरफ भेज देते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि सर्जरी कोई बुरी चीज़ है, मजबूरी में हमें सर्जरी करवानी भी चाहिए और करवानी भी चाहिए, लेकिन बहुत से केसेस में, 90% केसेस में सर्जरी को अवॉइड किया जा सकता है। तो आप सभी से प्रार्थना है, आपके परिवार में भी यदि कोई वैसा व्यक्ति हो जो किसी भी प्रकार की सिस्ट, रिसोली या बच्चेदानी की प्रॉब्लम कर रहा हो, या PCOD, PCOS, किसी भी प्रकार की फाइब्रॉइड यूट्रस की प्रॉब्लम से ग्रसित हो, तो उसको एक बार आयुर्वेद का सहारा जरूर लेके देखिए। आयुर्वेद में बहुत चमत्कार है, बहुत सी अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिनके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते। मजे की बात यह है कि मैं इनको, जब ये मेरे पास आए थे तो HB इनका खून बिल्कुल 3 से 4 ग्राम के आसपास था, और क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वो सर्जरी करवा पाए, क्योंकि किसी भी सर्जरी के लिए कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपये लगते हैं। तो इस वजह से ये परेशान थे कि जिस भी डॉक्टर के पास ये जाते थे, एलोपैथिक डॉक्टर, सारे सर्जरी एडवाइज़ करते थे, और वास्तव में उनका कसूर नहीं है क्योंकि उनके पास सर्जरी ही एक ऑप्शन है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसे बहुत से अन्य ऑप्शन भी हैं। तो यदि आप गरीब हैं और महंगा इलाज नहीं करवा सकते, सर्जरी आप नहीं करवा सकते, तो आप एक बार आयुर्वेद के पास जरूर जाइए, और आयुर्वेद को प्रथम चिकित्सा के दृष्टि में देखेंगे। शुरू में आप आयुर्वेदिक दवाइयों से कोशिश करें, अगर फिर भी आराम ना मिले तो फिर सर्जरी तो लास्ट ऑप्शन होना ही चाहिए। तो मेरी प्रार्थना है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इससे प्रेरणा ले सकें। और ये बहन जी कैथल ज़िले में ही, वजीरखेड़ा गाँव है इनका, वहाँ की बेटी हैं, और यहाँ फॉर्चुनेटली ये सीमेंट गाँव में मैरिड है, जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और 5 साल पहले इनको ये प्रॉब्लम आई थी, और 5 साल पहले ये प्रॉब्लम आई थी और ये बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब जब नेक्स्ट टाइम में इनकी सिस्टर को प्रॉब्लम आई, छोटी सिस्टर को प्रॉब्लम आई, तो ये मेरे पास पहुंची और इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे 5 साल पहले मैं आपसे दवाइयाँ खाई हैं, 6 महीने के आसपास मैं ठीक हो गई, तो मैं अपनी सिस्टर को यहाँ लेके आई। मेरे ऐसे सैकड़ों मरीज हैं जो ठीक हो जाते हैं। ईश्वर करने वाला है, परमात्मा करने वाला है, मैं कुछ नहीं।
तो आप सभी से प्रार्थना है इस वीडियो को जरूर शेयर करें।